जब आपकी नौकरी साल भर के अंदर में हो जाएगी तो आप दहेज कितना लेंगे? आप लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं। थोड़ा बहुत नहीं। बहुत प्यार करती है तुमको सनम। रेसर धनंजय कुमार। अच्छा रेसर धनंजय जी, आप मुझे बताइए, जब आपकी नौकरी साल भर के अंदर में हो जाएगी तो आप दहेज कितना लेंगे? दहेज नहीं लेंगे सर। नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। कॉन्फिडेंस, हम आ जाएंगे आपके पास आज। यस। काहे नहीं लेंगे आप? दहेज नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे आप? आप भी बताइए क्यों नहीं लेंगे आप? आप ऐसा नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, मगर आपके मम्मी और पापा बोलेंगे कि बिना 10 लाख देने ना लेंगे, कहें कि बेटा मैं खर्च कर ले 10 लाख। आएगा कि नहीं क्वेश्चन ऐसा? आएगा? नहीं नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, लव मैरिज को छोड़ दीजिए आप। नहीं। आप बताइए क्यों नहीं लेंगे आप? लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं। थोड़ा बहुत लेंगे। थोड़ा बहुत लेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे ना। चलिए ठीक है, तो आपको लड़की कैसा चाहिए? मतलब अच्छी चाहिए, काली चाहिए, गोरी चाहिए, जैसे? मतलब करेक्टर क्या अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आप कैसे जानेंगे कि करेक्टर से अच्छी है? पूरा गरीब परिवार से बिलोंग करती है। अच्छा, वैसा लड़की हमको चाहिए। मैंने झोपड़ी से भी आपको चाहिए? मतलब गरीब, पढ़ी लिखी चाहिए। पढ़ी लिखी चाहिए, गरीब गरीब परिवार का रहना चाहिए, है ना? ज्यादा अमीर से भी शादी न करना है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। और ये ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल है। चलिए आप बताइए आपका नाम क्या है? शोभा कुमारी। क्या बनना चाहती हैं आप? टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, आप टीचर बनना चाहती हैं? यस। अच्छा, कितने लोग इसमें टीचर बनना चाहती है? आप लोग, आप भी टीचर बनना चाहती हैं? आप भी टीचर बनना चाहती हैं? कैसा टीचर? जैसे अभी सरकारी स्कूलों में जो टीचर आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि मोबाइल चला रही है, पढ़ा नहीं रही है, तो आप कैसे बनेंगे? नहीं, हम अज्ञानता को दूर करने के लिए बनेंगे। ये साइलेंट रहेंगे, ठीक है ना? मोबाइल चलाने के लिए नहीं, शिक्षित करने। मतलब आप बच्चे को पढ़ाएंगे? यस। तो आप कौन टीचर बनेंगे? जैसे गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या प्राइवेट टीचर बनना? गवर्नमेंट। अभी आप कहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नहीं। कितना दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? यहाँ 2 मंथ हो गया। 2 मंथ से? कैसी यहाँ पढ़ाई होती है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। आपके पिताजी क्या करते? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्या चीज में जॉब करते हैं? बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस है, यानी आपको पापा जी पुलिस हैं, आप टीचर बनना चाहती, बच्चों को सेवा करना चाहती, पढ़ाना चाहती है, है ना? आप भी बनना चाहती हैं? यस सर। क्या नाम था आपका? अनुप्रिया कुमारी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते? टीचर हैं। टीचर ही है? हाँ। और क्या है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। कहाँ पढ़ाते हैं वो? मझियावा पढ़ते हैं। अब आपको टीचर ही बनना है? कहीं पढ़ाती हो, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हो बच्चों? नहीं, नहीं पढ़ाते। पढ़ाते नहीं, मगर थोड़ा आप पढ़ाना सीख जाए, ट्यूशन सुन। गांव के जो भी लड़कियां हैं, आप भी टीचर बनना चाहती है ना? कैसा आप, आपके पिताजी क्या करते हैं? थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा। आपके पिताजी क्या करते? बिजनेसमैन है। और आपका नाम क्या हो? ज्योति कुमारी। यार, टीचर जो बनेंगे आप, कैसा टीचर बने? जैसे गवर्नमेंट का बनना चाहते हैं या प्राइवेट? गवर्नमेंट का। कितना दिनों से आप तैयारी कर रहे? 3 महीना से। 3 महीना से यहाँ आप तैयारी जो कर रहे हैं, जो सवाल जो बताया जा रहा है, और उसको आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ जाता है बहुत अच्छा से। आ जाता है। चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप टीचर बनना चाहती है ना, तो आप बच्चों को शिक्षा मतलब किस प्रकार से देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पहले तो ट्रेनिंग करवाया जाएगा, मगर एक आपके दिमाग में होगा कि मैं बच्चों को इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है सीनियर और जूनियर, है ना? तो आप किस तरह से, सीनियर के टीचर बनना चाहती हैं या जूनियर टीचर बनना चाहती हैं? मैं तो अभी डीएलएड करने के बाद टीचर बनना चाहूंगी, तो इसके हिसाब से मैं जूनियर का ही बन सकती हूँ। तो 1 से लेके 8 तक। हाँ। तो जूनियर लोग का ही पढ़ाऊंगी अभी। अच्छा, यस। यानी 1 से लेके 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए और क्या है, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? रिमझिम भारती। क्या बनना चाहते? एसएससी के अंतर्गत कोई भी जॉब। आपका नाम क्या है? राजनंदनी। क्या बनना चाहते? मैं तो ऐसे सिंगर हूँ, मैं गाती हूँ, जागरण करती हूँ। अच्छा अच्छा, जागरण करती हूँ। मैंने कला उत्सव में स्टेट लेवल पे मैं फर्स्ट आई थी, और मैंने नेशनल में परफॉर्म किया है। जागरण में मैं हर जगह जाती हूँ, मैंने कई सारे राज्य में परफॉर्म किया है, और सब मुझे बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ गाने में। यहाँ विजन में भी परफॉर्म करती हूँ। अच्छा, आपका एम क्या है? आप सिंगर भी बनना चाहते हैं और फिर इधर आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक एम होगा ना?
मैंने बीपीएससी करने का सोचा है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे पोजीशन पे पहुँच जाऊँ जहाँ मेरी सब लोग इज्जत करें, क्योंकि ये जैसा ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ की लड़कियाँ अगर गाती भी हैं तो उन पे थोड़ा लांछन जैसा लग जाता है क्योंकि ये बड़ा शहर नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अच्छी सिंगर भी बनूँ, साथ साथ ऐसे पोजीशन पे पहुँच जाऊँ कि सभी मेरी इज्जत करें। यानी कहने का मतलब एक अच्छे से गवर्नमेंट पोस्ट पर भी रहेंगे आप, तो अगर वहाँ भी आप सिंगिंग करेंगे तो एक अच्छा गुणवत्ता के साथ आपको देखा जाए और एक अच्छा गुण जी। आपको जागरण गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं, सभी तरह के गाना गाते हैं, कोई एक आपका जो सबसे प्यारा सा जो सॉन्ग होगा आप उसको गाएं। अच्छा। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से काफी ओल्ड गाना है, काफी पुराना गाना है, उसके उस गाने नए जो गाने आजकल जो चल रहे हैं उस टाइप को नए गाने। हाँ, नए गाने। ऐसे मेरी आइडल तो लता मंगेशकर जी हैं जी। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी 90s के सॉन्ग गाने का कोशिश करती हूँ। 96 दोनों गाते। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम। चलिए बहुत ही अच्छा, थैंक यू, क्लैप कर दीजिए भाई। अच्छा, बैंक के तैयारी कितने लोग कर रहे हैं इधर, लड़कियां कोई बैंक की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग कोई बैंक का तैयारी कर रहे हैं? नहीं। चलिए, और बाकी इधर सारे जो लड़के हैं आर्मी में जाना चाहते है कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ? इन लोग काफी देखे नजर आ रहे हैं काफी दूर। आपका कितना रनिंग है आपका फील्ड में? साढ़े पाँच मिनट। चलिए अच्छा, और बाकी सारे जो बच्चे हैं वो बनना चाहते हैं? अच्छा, आप लोग न्यू बैच के बच्चे हैं। ये हमेशा धनंजय जी मोच एकदम टाइट एकदम करते ही रहते। रियल हीरो भगत सिंह। अच्छा, रियल हीरो भगत सिंह। भगत सिंह, आप भगत सिंह के चेला? बस, या सर। बहुत बढ़िया, मैं भी भगत सिंह को चेला हूँ, है ना? मैं भी भगत सिंह को बहुत अच्छा तरह से मानता हूँ और अपने घर में भी कैलेंडर भगत सिंह को ही लगाता हूँ। हम भी लगाए हैं। आप भी लगाए? या सर। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखा जाए तो सारे बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हर बच्चे अच्छे ढंग से अपना रिजल्ट है निकाल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और अच्छे तरीका से पढ़ रहे हैं। इधर भी देखा जाए तो देखिए सारे बच्चे अभी लगे हुए हैं, अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं, आपको भी आर्मी बनना। यस सर। आप लोग, चलिए दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो है और हम फिर मिलते हैं आगे एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।